काला हिरण शिकार मामले में 5 अप्रैल को सलमान खान की किस्मत का फैसला होगा, क्योंकि अदालत में कई साल से चल रहे इस केस पर फैसले की तारीख 5 अप्रैल तय कर दी गई है। तारीख 5 अप्रैल को फैसला आएगा। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान के अलावा सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम, ये तमाम कलाकार आरोपी हैं। 5 अप्रैल को अब इस मामले में फैसला आएगा। हम सीधे रुक कर लेते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, 5 अप्रैल को इन सभी कलाकारों पर फैसला आ जाएगा? जी रोमाना, बिल्कुल। तकरीबन 20 साल, 1 और 2 अक्टूबर साल 1998 का ये मामला, दो काले हिरणों का शिकार हुआ था सलमान सहित अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और सैफ अली खान, ये तमाम आरोपी बनाए गए और 18 सालों तक लगातार इस मामले में सुनवाई चलती रही। और अब जोधपुर ग्रामीण के जो सीजे हैं देव की नंदन खत्री, उन्होंने ये तय किया है कि 5 तारीख को इस मामले में, यानी 5 अप्रैल को, इन तमाम लोगों के खिलाफ जो मामला दर्ज था उसमें फैसला सुनाया जाएगा। और सबसे अहम बात रुमाना, ये आखिरी केस है जिसमें सलमान आरोपी बनाए गए हैं। इसके पहले जितने भी सलमान के खिलाफ मामले थे काले हिरणों के और दूसरे शिकार मामलों में, उन्हें सब में अलग अलग फैसले आ चुके हैं। ये चौथा और आखिरी मामला है जिसमें अब 5 अप्रैल को फैसला आने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो करीब 2 दशक के इंतजार के बाद अब काले हिरण के इस मामले में सलमान खान पर यह फैसला आएगा। 5 अप्रैल को फैसला आना है। पुण्य प्रसून वाजपेयी आ रहा हूं एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।